चलिए सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज आपके सामने आने का उद्देश्य था कि अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मैंने पहले सबसे पहले जो है मुस्लिम इल्म सीखा और उसके बाद में कुछ शमशानी क्रियाएं भी की अघोरियों के साथ में, और फिर नाथ संप्रदाय में भी थोड़े समय बिताया मैंने। और ये मेरी यहाँ तक की जर्नी थी भगवान जी के पास आने से पहले की। और उसके बाद में जब मैं भगवान जी के पास आया तो सत्य का ज्ञान हुआ मुझे, और उसके बाद में निरंतर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। मतलब पहले सोच यही हुआ करती थी कि कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई भी सिद्धि साधना की जाए, कुछ भी हासिल किया जाए और उससे मतलब लोगों का भला किया जाए। लेकिन उसमें क्या लोगों का भला नहीं, उसमें मेन पर्पस यही रहता है कि मतलब मैं अपने आप को, अपने अहम को पुष्ट करना चाहता था, और मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए, है ना, अपने अहंकार को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, तो उसी के लिए किया करता था। जबकि वो छुपा हुआ था तो उसको समझ ही नहीं पाए। तो जब भी किसी के पास गए तो उससे यही कहा कि मतलब ये चीज़ मुझे भी सिखा दीजिए, ये साधना मुझे भी सिखा दीजिए, है ना। तो मतलब वो हर चीज़ को सीखा और बहुत से लोगों को कन्वर्ट भी किया। मतलब मैं ख्वाजा दरगाह पर लेकर के जाता था, है ना, और ऐसे मतलब बहुतों को भटकाया भी, क्योंकि उस समय हकीकत का नहीं पता था। उसके बाद में मेरे एक परम मित्र थे, उन्होंने मुझे भगवान जी के बारे में बताया, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ शुरुआत में। तो 1.5 साल के बाद में जब कोरोना काल आया तो मैंने भगवान जी से बात की, और जैसे कि मैं फोटोग्राफी का काम करता था तो पूरा बिजनेस ठप हो चुका था कोरोना काल के अंदर, क्योंकि जो फंक्शनों का जिनका एडवांस आया था वो भी एडवांस वापसी देना पड़ा कईयों को, जिनके साथ में अच्छा था, अच्छे ताल्लुकात थे, और मतलब बहुत शॉर्टेज हो गई पैसों की, क्योंकि काफ़ी तो मतलब कैंसिल हुए और काम बिल्कुल बंद हो गया। और मेरे पास सेटअप भी अच्छे थे और लड़कों को देना, सब काम करना, तो मतलब बहुत नुकसान में था। तो जब मैंने भगवान जी से दीक्षा के लिए बताया तो उस समय मेरे पास मतलब उस वो सहयोग राशि भी नहीं थी, मेरी उस समय वो भी कंडीशन नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ दिन बंद मतलब नहीं बात की। उसके बाद में फिर मेरे को जब फिर दोबारा से मैं जैसे भगवान जी की वीडियो रेगुलर सुनता था तो फिर से मुझे ये हुआ कि एक बार मैं दोबारा से बात करता हूँ। मैंने फिर से बात की तो मैंने कहा भगवान जी कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा मतलब हाथ ऐसा है, तंग है, बहुत टाइट है। तो भगवान जी ने मुझे एक नियम बताया, तो मुश्किल से 10 दिन किया होगा मैंने। उसके बाद में मेरे रास्ते अपने से खुल गए। मतलब पेमेंट कहाँ से आई, कैसे आई, मतलब वो मुझे आज तक भी समझ नहीं आया। तो सब काम हुआ और दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के दिन की बात अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 बजे घर पर आ जाइएगा मेरे, तो दीक्षा के लिए चलेंगे। गुड़गावा में शिविर था जहाँ मेरी दीक्षा हुई। तो मेरा क्या रहा कि जैसे गुड़गांव में जाने के लिए उन्होंने बोला कि 3 बजे मेरे घर पे आ जाना, तो भयंकर बारिश थी, तो मैं उनके घर में 3 बजे पहुंच गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू पागल है क्या, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है तो उसके बाद भी यहाँ पे आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो स्कूटी से ही चलते हैं या फिर तो उन्होंने बोला कि अभी रुक जाते हैं, तो बारिश रुक जाए तो चलते हैं। तो यही देखते देखते मतलब 6 बज गए। तो 6 बजे भी मैंने उनको फिर बोला कि यार मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, ये हो सकता है कि कोई परीक्षा हो। तो क्योंकि मैं साधनाएं पहले भी कर चुका था तो मुझे ये ज्ञात है ही कि कहीं भी आप ऐसे कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कहीं मतलब बड़ी ऊर्जा के साथ मिलने जा रहे हो तो संकट आता ही है। तो मैंने उनको बोला कि ये हो सकता है परीक्षा है, तो आप अभी चल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि मैं कैब बुक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि हम अगर थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो बारिश रुक जाएगी। तो उन्होंने वो नहीं माने, तो उन्होंने फिर कैब बुक करवाई, हमने कैब बुक करी। तो जैसे ही हमने कैब बुक करी, कैब आई और मुश्किल से हम मेरे घर से मतलब श्यामलाल कॉलेज पड़ता है तो वो मतलब आधा किलोमीटर का एरिया है, आधा किलोमीटर के बाद में बारिश बंद हो गई। उसके बाद में हम वहाँ तक पहुँचे आपका सराय काले खां,
तो उसको जो कैब बुक करी थी उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने बैठे बैठे में कहा कि भैया मैं आगे नहीं जाऊँगा, अब यहाँ से आप कुछ और देख लो। तो मतलब बहुत अचंभा हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे पास्ट के भी अनुभव कुछ ऐसे थे तो मुझे पता था कि ऐसा होना ही है। तो उसके बाद में हम फिर बस से गुड़गांव पहुँचे, फिर गुड़गांव से एक ऑटो किया, फिर वो मतलब बारिश वहाँ भी हुई हुई थी तो गड्ढों में पानी भरा हुआ था, बहुत गड्ढे थे, तो वो ऑटो का टायर टूट गया। तो फिर वहाँ से दूसरा ऑटो बैटरी रिक्शा किया, फिर उसके बाद में वहाँ से जो बस स्टैंड पे हम पहुँचे तो वहाँ से भी काफ़ी दूर था, तो जैसे जहाँ पे शिविर होना था उन्हीं उसी की बैक साइड में मैं आ गया। और वहाँ पे पूछा किसी से कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जाना है तो कहाँ पर पड़ेगा, तो उन्होंने वहाँ से बताया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ये तो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऑटो वाले से बीच में अच्छी बातचीत हो गई, तो वो भी अध्यात्म से थोड़े जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। अब वो जब 11 किलोमीटर दूर जा करके हमने उनसे बात की तो उन्होंने तब भी यही कहा कि ये तो वहीं है जहाँ से आप आ रहे हो ऑलरेडी। तो फिर हम वहाँ वापसी जाने के लिए उनको बोला तो वो भी ऑटो वाले ने मना कर दिया, बोला कि ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोड तक छोड़ दूंगा। तो रोड से भी 8-9 किलोमीटर अंदर थे। तो जो मुझे भगवान जी के पास लेकर के आए थे, जिन्होंने भगवान जी के बारे में बताया था, वो और मैं एक्चुअली कावड़ भी लाते थे, एक दो बार वो मेरे साथ कावड़ लेने गए। तो मैंने उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे साथ में तो जिंदगी नरक हो गई मेरी। और आखिर आर करके हम वहाँ पहुँचे, और उसके पहुँचने का भी सीन ऐसा था कि मतलब जैसे बैक साइड में ही हम रुके और उसके बगल में ही जेल थी, तो जेल के अंदर से होकर के हम आगे को गए। तो पहले तो जेलर वगैरह ने रोक लिया कि मतलब ये तो सेंसिटिव एरिया है तो आप यहाँ पे कैसे आए। तो फिर मैंने उनको भी हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मतलब हमारी दीक्षा होनी है तो ऐसे ऐसे मतलब हमें वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि आगे से रास्ता ना, मैंने कहा अभी यहीं से जाने दीजिए, हम लेट हो चुके हैं। तो इस बीच में 12:30 बज चुके थे, तो मुझे नहीं लगता था क्योंकि जो लेकर के आए थे मुझे उन्होंने बोला था कि 10 बजे का समय है लास्ट दीक्षा का, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी दीक्षा होगी। तो मैंने कहा ठीक है जो भी होगा, जो भी भगवान जी चाहेंगे हो जाएगा। तो मेरी दीक्षा हुई और मतलब जैसे हम पहुँचे तभी कार्यक्रम आरंभ हुआ दीक्षा का। तो ये रही थी परीक्षा की घड़ी। उसके बाद में यहाँ मतलब आज के समय में अगर मतलब दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए तो मेरे हिसाब से ऐसा कहीं भी कोई भी आश्रम नहीं है कि जहाँ पर इतनी आसानी से आया जा सकता है। परीक्षाएं तो हर जगह होगी, अगर अच्छी जगह होगी तो परीक्षा होगी होगी, लेकिन इतनी आसानी से आया जा सकता है और इतना कुछ पाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पूर्व के भी अनुभव बहुत अच्छे रहे साधनाओं के, लेकिन साधनाओं में केवल एक लालच था, है ना। और जब भगवान जी के पास मैं आया तो 2-3 महीने के बाद की बात है, तो आश्रम में ही भगवान जी पीछे की तरफ बैठे हुए थे, तो जो हमारा खेत टाइप का एरिया पड़ता है तो वहाँ पर मैं भगवान जी के पैर दबा रहा था। तो पैर दबाते दबाते ही मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद में मतलब मेरी चाल रुक गई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है। और वो जो अनुभव था, उस अनुभव ने ऐसा हिला दिया क्योंकि आज तक लाइफ में ना तो ऐसा हुआ था। मतलब वो बात अलग है कि किसी शक्ति की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है उसको हासिल कर रहे हो, लेकिन जो शांति का जो वो अनुभव है, वो अनुभव मतलब कहीं भी ऐसा कभी नहीं मिला लाइफ में। तो वहाँ से मैं समझ गया कि मतलब ना तो मैंने कोई जाप किया, ना कोई पूजा की, ना कोई पाठ किया, मैंने केवल चरण पकड़े। तो तब से मैंने गुरुदेव को भगवान जी कहना शुरू किया, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुए मतलब वो बताने लायक है नहीं, मतलब बता सकते नहीं है उसको, है ना, कि कोई शब्द नहीं है उनको देने के लिए। तो वो जो अनुभव थे उसके बाद मतलब अपने से संसार से छुटकारा हो गया। उसके बाद में भगवान जी ने मुझे मौन के लिए साधना दी और काफ़ी समय मेरा मौन रहा। और उसी के साथ में भगवान जी ने ये भी साधना दी कि आपने बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी है, है ना। तो वो सब कुछ करते करते जो कुछ पाया गया, और बीच में अब भी जैसे पूर्व में क्या होता था कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ हासिल होता था। यहाँ भगवान जी मतलब अपनी मौज में कभी भी कुछ भी हमें मतलब ऐसे ही दे देते हैं, और वो बहुत बड़ा कुछ, मतलब जैसे पान खिलाया तो कुछ दे दिया, है ना, या ऐसे ही बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे कुछ बात करते करते में ही कुछ दे दिया। और उसका अनुभव केवल वही जान सकता है जिसको मिल रहा है। मतलब अगर पास में और भी शिष्य बैठे हों तो भी उनको नहीं समझ में आएगी वो चीज़।
और आश्रम में अगर आप सच्चे साधक हैं, अगर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर श्री काल भैरव आश्रम के अलावा और सदगुरु श्री तारामणि जी के अलावा कोई भी नहीं है। मिथ्या भ्रम फैलाने के लिए सब हैं, सैकड़ों हैं, है ना, लेकिन सच्चाई के लिए अगर बोलें तो केवल और केवल मात्र श्री काल भैरव आश्रम ही एक ऐसी संस्था है जो साधकों के लिए बनी है, जिसमें भगवान जी का स्वयं का उद्देश्य है कि साधक तैयार करना, और भगवान जी का वचन भी है कि भगवान जी दुनिया में बहुत से अपने शिष्य ऐसे दे करके जाएंगे जो कि निरंतर लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाएं और सच्चाई की तरफ ले जाएं। और अगर आप साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो कम से कम आप भगवान जी की वीडियो देखिए, सारी वीडियोस देखिए, और अगर अच्छे अनुभव प्राप्त करने बहुत कम समय में तो भगवान जी की एक आज्ञा चक्र की वीडियो डली हुई है, आप वो वीडियो करिए, सुनिए, 10 मिनट निकालिए, और उस 10 मिनट में मतलब भगवान जी को समर्पित होकर के, क्योंकि जो समर्पण में मिलेगा वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो अगर आपने वो भी कर लिया तो उसमें भी बहुत कुछ अनुभव आपको स्वयं से उसमें हो जाएंगे, और आपको सच्चाई और आपको मतलब आलतू फालतू के जो फैले हुए गुरु हैं जो उनसे उनमें और भगवान जी में क्या फ़र्क है वो पता लग जाएगा। तो यही मेरी यात्रा थी और मेरे अनुभव थे, और अब सब कुछ कम समय में बता पाना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी क्या कि उतना माइंड भी नहीं चलता है, क्योंकि 2-2.5 साल से केवल आश्रम में ही है, तो मतलब जो कुछ घट गया पीछे उसको वैसे भी भगवान जी बोलते हैं कि जो अनुभव हुए हैं उसको छोड़ के चलना है। मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं और मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, है ना, तो श्री काल भैरव आश्रम के अलावा कोई भी संस्था नहीं है। और हमारे आश्रम में कपाल क्रिया और नाथ संप्रदाय सब मतलब सारी दीक्षाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि भगवान जी सब से मतलब सारी उसमें निकल कर के आए हैं, है ना, तो यहाँ से कुछ भी मिल सकता है। और उसको ये नहीं कि मतलब आपको परिश्रम ही करके हासिल करना है, अगर आपका समर्पण अच्छा रहेगा तो भगवान जी ऐसे ही बहुत कुछ दे देते हैं। मेन बात है ये है कि मतलब आपके अंदर सहन करने की शक्ति हो, मतलब आपको अगर कुछ शक्ति दी जा रही है तो ऐसे मतलब बच्चे के हाथ में अगर पिस्तौल दे दोगे तो वो नुकसान ही करेगा, तो इसलिए मतलब उस लायक होने चाहिए आपकी उस चीज़ को संभाल सको, उसका उपयोग कर सको। तो मैंने बहुत समय भी ले लिया, इसलिए सभी को जय श्री काल भैरव।